नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। जौनपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा को हटाना चाहती है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है क्योंकि विकास और गरीबी की लड़ाई सपा ने लड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जो अपमानित हैं उसे हम शामिल करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के बिल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, टिप्पणी की, उसे सरकार को मानना चाहिए, काले कानून को वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम जन से ही हिंदू हैं और भाजपा का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होगा। अभी चुनाव में एक साल है। उन्होंने कहा कि कई कोरोना वैक्सीन के बारे में सरकार जनता को साफ बताए कि कब तक गरीब को वैक्सीन मिलेगी या नहीं। अखिलेश यादव जौनपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो टिप्पणी की, और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। ठीक, अखिलेश यादव इस समय साफ हिंदुत्व की तरफ है। ये कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम न जाने कब से जन्म से हिंदू हैं। सॉफ्ट हार्ट की बात नहीं है, हम तो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू वो हैं जो सभी जातियों को साथ, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ऐसी कई एंट्री हुई है सपा के खिलाफ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में एक साल है, एक साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। वैक्सीन गरीबों को फ्री मिले और गरीबों को कब तक मिल जाएगी ये बता दें। नहीं, ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि विकास और गरीबों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो समाजवादी पार्टी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। ये खास रिपोर्ट थी जौनपुर से शिव कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।